नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंटल लॉ के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है और एग्ज़ाम में इसे कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बात करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन ये कहता है कि जल, जंगल और समंदर, झील, तालाब और सनलाइट, ऐसी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर किसी का भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, चाहे उस प्राइवेट इंसान के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी सोशल स्टेटस हो, लेकिन वो इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता। इन चीज़ों का कोई भी इंसान स्वामी नहीं हो सकता। ये कहता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन एनवायरमेंटल लॉ का एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, और वो ये कहता है कि जल, जंगल, सनलाइट और समंदर, झीलें, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। नेचर ने मैनकाइंड को अमानत के तौर पर यानी गिफ्ट के तौर पर दी है और हमें इसका सम्मान रखना है। और गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी जायदाद होगी यानी नेचर ने हमें जो भी अमानत दी होगी उसकी हिफाजत करनी है और उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा इसके बारे में अपनी पॉलिसीज बनानी होगी। ये कहता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। हु ओन्स द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज एंड हाउ मच ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज बाय द जनरल पब्लिक, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एंशियंट डेज। अकॉर्डिंगली इट वॉज द बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन द फर्स्ट हु पायोनियर्ड द कॉन्सेप्ट विच लेटर केम टू बी नोन एज द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इज द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट certain resources like air, water, sea, forest, rivers, ponds, lakes, mountains can never be subject to private ownership. Such resources are a gift of nature to the mankind as a whole and it should be available to all irrespective of their race, religion, caste, sex and social status. पुराने जमाने में, especially in the ancient Roman Empire, जो कि बाद में Byzantine Empire भी बना, तो उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ ईस्वी सन 500 AD की, इस समय में एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैनकाइंड को पड़ा था, पृथ्वी के जो रिसोर्सेस है इनकी ओनरशिप किसके पास है और कॉमन पब्लिक इन रिसोर्सेस को किस हद तक यूज़ कर सकती है। तो उस ज़माने में सबसे बड़ा एम्पायर था बिजेंटाइन एम्पायर, जिसे हम लोग एंशंट रोमन एम्पायर भी कहते हैं। तो उसका एक सम्राट था जिसका नाम था जस्टिनियन द फर्स्ट। उसने कहा कि समंदर और समंदर के किनारे किसी की भी प्राइवेट जायदाद नहीं हो सकती, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ईस्वी सन 500 AD में जो एम्परर जस्टिनियन है उसका ये साम्राज्य था, इसे हम लोग बिजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, और उसका जो साम्राज्य था वो मॉडर्न डे स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया और मोरक्को में फैला था, जो कि समंदर के आसपास के इलाके हैं। और उसने कहा कि समंदर और समंदर के किनारे किसी भी एक इंसान की जायदाद नहीं है। और इसी के साथ उस ज़माने में छोटा कॉन्सेप्ट था लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये कॉन्सेप्ट बड़ा बन गया और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर दी गई कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन ये सारे गवर्नमेंट, सारे इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे और अपने अपने देश में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया। इतना लिखने के बाद आपका इंट्रोडक्शन पूरा होता है, आपको आगे बढ़ना है। आपको फिर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का ओरिजिन लिखना है, जो मैंने अभी आपको कहा था बिजेंटाइन एम्पायर का जस्टिनियन द फर्स्ट के बारे में आपको लिखना होगा। ओरिजिन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज बाय द बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन द फर्स्ट। एज द बाइजेंटाइन एम्पायर वॉज सिचुएटेड अराउंड द सी शोर एंड हेंस ही हेल्ड दैट द सी, द शोर्स ऑफ द सी, the air, running water was common to everyone. The seashore could not be appropriated for private use and was open to all. Hence, restricting the access to the sea would have been disastrous to the development of that region. अगर इन चीज़ों को यानी इन इलाकों के ऊपर हम लोग private properties बना देते तो इस इलाके की जो development है वो नहीं हो पाती। मैं आपको Byzantine Empire के बारे में बता रहा था, ये ईस्वी सन 500 AD की बात है
और मैग्ना कार्टा जो है वो 1215 में आया था, यानी आप देख सकते हैं कि 500 एडी में जो कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था वो 700 साल में बड़ा होते होते कितना बड़ा हो गया, वो मैग्ना कार्टा का पार्ट हो गया। मैग्ना कार्टा इज़ द बाइबल ऑफ सिविल राइट्स, ये जो चार्टर है मैग्ना कार्टा का जो चार्टर है उसे बाइबल कहा जाता है सिविल राइट्स का। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के जो समर्थक थे उनमें महात्मा गांधी भी शामिल है। महात्मा गांधी जी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कड़वे समर्थक माने जाते थे और उन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की थी। महात्मा गांधी जी का देहांत 1948 में हुआ था लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी और महात्मा गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर बहुत ज़्यादा था और इसीलिए पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का भी थोड़ा बहुत इंक्लूजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। कभी कभार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का जो कोरिलेशन है उसके बारे में बताओ, तो अभी आपको क्या लिखना है वो हम लोग देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंसर्टेड सेवरल आर्टिकल्स अबाउट दिस एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिलीवर्ड मेनी लैंडमार्क जजमेंट्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन प्राइमरीली रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल्स दैट certain resources like air, water, sea and the forest have such a great importance to the people as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. Public trust doctrine ये कहता है कि कुछ resources है जो हमारे mankind as a whole के लिए इतने ज़्यादा important है कि इनके ऊपर अगर private ownership हम लोग लगा दें तो पूरी mankind का नुकसान होगा, ये कहता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। द सेड रिसोर्सेज आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड हेंस दे शुड बी मेड फ्रीली अवेलेबल टू everyone irrespective ऑफ देयर स्टेटस इन लाइफ। द डॉक्ट्राइन लेज डाउन emphasis ऑन द गवर्नमेंट एंड suggests दैट द गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट दीज resources एज अ ट्रस्टी ऑफ द जनरल पब्लिक। द गवर्नमेंट शुड नॉट परमिट देयर यूज फॉर प्राइवेट ओनरशिप और कमर्शियल purposes इवन एट अ फेयर मार्केट प्राइस, यानी प्राइवेट उद्योगपति अगर जंगल की फेयर मार्केट प्राइस भी दे रहा हो तो भी हमें उन्हें पूरा का पूरा जंगल नहीं बेचना है। मान लीजिए 100 किलोमीटर का एक जंगल है और एक उद्योगपति फेयर मार्केट रेट के हिसाब से, स्क्वायर फुट के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से या फिर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट को ये प्राइस चुकाने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट मैं अपने लंबर कैंप के लिए या फिर लकड़े के मिल के लिए काट दूँ। भले ही गवर्नमेंट को फेयर मार्केट प्राइस मिले फिर भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के हिसाब से गवर्नमेंट को बिल्कुल भी फेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का भी उस चीज़ के ऊपर अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ सिटीजन्स का ट्रस्टी है और गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनता है कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे और उस फॉरेस्ट को बढ़ावा कैसे मिले इसके बारे में पॉलिसीज बनाए, और ये कहता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन सर्व्स टू पर्पसेस, इट मैंडेट्स अफर्मेटिव स्टेट एक्शन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इट एम्पावर्स द सिटीजन टू क्वेश्चन द इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN.com करके एक UN का वेबसाइट है और ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, यहाँ से ये दो चीज़ें मैंने ली है तो मैं आपको सोर्स बताना चाहता हूँ और इसीलिए इन दो पॉइंट्स को आप वर्ड टू वर्ड लिखो, एग्जाम में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज बनता है, और ब्रैकेट में ये भी लिख देना कि सोर्स है IUCN.com। दिस डॉक्ट्राइन गारंटीज पब्लिक एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज एंड मैंडेट्स पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन एक्सचेंज। मैंने आपको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बारे में पहले बताया था और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बारे में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा एंड फौना एंड स्पेशली द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स ऑफ नेचुरल सिस्टम मस्ट बी सेफगार्डेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस थ्रू केयरफुल प्लानिंग और मैनेजमेंट एज अप्रोप्रिएट। यानी गवर्नमेंट को पूरी तरह से डायरेक्शन दिया है कि जल, जंगल और ज़मीन ये हमें विरासत के तौर पर मिली है और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इस तरह से फ्रेम करनी चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन को तो इसका उपभोग लेने को मिले लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ भी इन सारी चीज़ों का उसी तरीके से इस्तेमाल करें और उसी तरीके से उपयोग कर पाए। इस तरीके की पॉलिसीज बनाओ, चाहे प्लानिंग के तौर पर या फिर मैनेजमेंट वाली पॉलिसीज बनाकर, दोनों आप अपने ऊपर छोड़ दो।
ये कहा है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के बारे में। रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सी एंड द फॉरेस्ट आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। दीज रिसोर्सेज शुड बी एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक फॉर देयर यूज। दीज रिसोर्सेज शुड नॉट बी सोल्ड टू अ प्राइवेट ओनर इवन एट अ फेयर मार्केट प्राइस। दीज रिसोर्सेज शुड बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन देम फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ पब्लिक। यहाँ पर बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ पब्लिक एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। मैंने आपको कहा था कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको कोरिलेशन पूछा जाएगा। ये भी कभी कभार आपको 3 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको 2 आर्टिकल्स मेंशन करने हैं, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51G। दोनों ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल है और भले ही आप इसे वर्ड टू वर्ड ना लिखें, लेकिन इसका जो बेसिक शब्द है उसे आप मेमोराइज कर लो, भले ही आप वर्ड टू वर्ड ना लिखो। आर्टिकल 48A कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर द कंट्री। यानी स्टेट ने, जो गवर्नमेंट है, उसे हमारा जो फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ, इनको मजबूतीकरण करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे, ये कहता है आर्टिकल 48A। और आर्टिकल 51G कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। आर्टिकल 51G में स्टेट की ये ड्यूटी बताई गई है और स्टेट के साथ साथ हमारी भी ड्यूटी है एज अ सिटीजन टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। यानी सजीव, भले ही सजीव चीज़ों के बारे में कंपैशन रखना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बताई गई है वाया आर्टिकल 51G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्राइजेस इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसके बाद में आपको कभी कभी केस लॉज भी पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है MI बिल्डर्स वर्सेस राधेश्याम साहू, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1999। इस केस को मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। MI बिल्डर एक बिल्डर था और लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये घटना घटित होती है। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक पब्लिक पार्क है और बिल्डर ने लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ये परमिशन लिया था कि इस पार्क के नीचे मैं एक अंडरग्राउंड मॉल बना लूँगा। और लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, यानी हम लोग जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार करके, उस पर्टिकुलर चीज़ को उन्होंने परमिशन दिया था। यानी पार्क के नीचे, पब्लिक पार्क के नीचे एक अंडरग्राउंड मॉल बनाने को उन्होंने परमिशन दिया था और जो हाईकोर्ट था उसने ये पर्टिकुलर चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाला और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का ही जजमेंट अपहेल्ड करा और गवर्नमेंट को कहा, यानी लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा कि ये आपकी ड्यूटी है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू आर द ट्रस्टी ऑफ दैट पब्लिक पार्क एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर पब्लिक पार्क फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ पब्लिक। आशा करता हूँ आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा और इसी के साथ साथ आपको आपका जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है उसका आंसर कंप्लीट कर देना है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।